नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी रणक्षेत्र बनारस से 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मचे घमासान पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। आज हम बात करेंगे वाराणसी के सांसद प्रधानमंत्री मोदी के नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम के बारे में। बता दें कि आज वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वाराणसी के सांसद मोदी ने नारी शक्ति संवाद संबोधन के बहाने वाराणसी सहित पूरे पूर्वांचल की आधी आबादी को साधने की कोशिश किया है। बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को भले ही इंडिया गठबंधन ने पीएम के चुनावी रणक्षेत्र बनारस में सांसद प्रत्याशी घोषित करके लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है, लेकिन भाजपा संगठन के मुकाबले इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय की पूरी तैयारी बनारस में ताश के पत्ते की तरह भरभराती नजर आ रही है, क्योंकि अब बनारस में कांग्रेस का कोई दिग्गज नेता जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी अजय राय पूरे दमखम के साथ प्रधानमंत्री मोदी को उनके संसदीय क्षेत्र बनारस में ललकार रहे हैं। खैर, आइए अब सीधे बात करते हैं शिव की नगरी काशी में प्रधानमंत्री मोदी ने नारी शक्ति संवाद के बहाने पूरे भारत के महिलाओं को बड़ा संदेश देने की कोशिश किया है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में अलग अलग वर्ग से आई हजारों की संख्या में महिला वोटरों से सीधा संवाद करके उन्हें केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी भाजपा महिला मोर्चा ने संभाली। अब देखना है 2024 के लोकसभा चुनाव के शेष बचे चरण में महिला मतदाताओं पर इसका कितना असर होता है, ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही साफ हो पाएगा। हमार मोदी, हमार काशी, फिर एक बार माननीय मछली शहर के सांसद प्रत्याशी आदरणीय वीपी सरोज जी को आमंत्रित करती हूँ कि अपना संबोधन करें। पूरे देश के ही नहीं, पूरे दुनिया के लोकप्रिय जनप्रिय इस देश का गौरव और मान सम्मान पूरे दुनिया में बढ़ाने वाले इस देश के गांव गरीब किसानों को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करने वाले इस देश के करोड़ों निर्बल असहाय गरीब किसानों के मसीहा, मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मछली शहर लोकसभा की जनता की तरफ से आपके अपने काशी में हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए स्वागत करता हूं। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, सांसद प्रत्याशी चंदौली, आपको आमंत्रित करती हूँ, कृपया अपना संबोधन। हमार काशी, हमार मोदी, इस नारे के अभिनंदन के साथ मातृशक्ति बंदन के इस कार्यक्रम में माननीय नरेंद्र मोदी जी का कोटि कोटि अभिनंदन, कोटि कोटि वंदन, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का भी हृदय से सम्मान, मंचस्थ मातृशक्ति नेतृत्व, समक्ष मातृशक्ति नेतृत्व का कोटि कोटि वंदन। मोदी जी के पदार्पण 14वें भारत के इस पद पर आने के पूर्व यहाँ भारत में अटल जी के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो लटकाना भटकाना बहकाना की राजनीति, स्वयं नारी शक्ति को 33% आरक्षण देने के मुद्दे लटकाए भटकाए, संसद में प्रतियां फाड़ी गईं, लेकिन मोदी जैसे महान नेता ने भारी बहुमत के साथ इत्रमात शक्ति को सही सशक्तिकरण दिया। ऐसे मातृशक्ति अभिनंदन के कार्यक्रम में ऐसे मातृशक्ति को बल और सम्मान देने वाले मोदी जी का बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन है। हम सबके बीच उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का संबोधन हम सभी के बीच। माननीय मुख्यमंत्री, भारत माता की,
भारत माता की, गंगे मैया की, गंगे मैया की, नमः पार्वती पतये हर हर। आज के इस नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित सभी विभिन्न वर्गों से जुड़े हुए, अलग अलग सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े हुए सभी उपस्थित मातृशक्ति, आप सभी का भी मैं इस समारोह में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों, हम सब इस बात को जानते हैं 2014 के पहले देश के अंदर क्या स्थिति थी। बेटी असुरक्षित थी, बहनें असुरक्षित थी, उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए था नहीं मिल पा रहा था। कहीं तीन तलाक के नाम पर प्रताड़ना होती थी और कहीं पर उन्हें उचित प्रतिनिधित्व देने में संकोच होता था। लेकिन पिछले 10 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। एक और भारत आज दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में दुनिया के सामने अपनी पहचान दिखा रहा है। दूसरी ओर सुरक्षित भारत के रूप में देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना हो या आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान करने का हो, देश के अंदर बिना भेदभाव के विकास के बड़े बड़े परियोजनाओं को भारत के अंदर लगकर उन्हें प्रभावी ढंग से अमली जामा पहनाने का कार्य हो और विकसित भारत की आधारशिला को मजबूती प्रदान करने का कार्य रहा हो, या गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के विभिन्न तबके को एक सम्मानजनक जीवन, खुशहाल जीवन जीने के लिए प्रेरित करने का कार्य रहा हो, हर एक तबके में नारी शक्ति के वंदन के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रभावी रूप से प्राथमिक रूप से आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और यही कारण है आज जब 2024 का ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर हम जाते हैं तो आधी आबादी का आशीर्वाद मोदी जी के साथ पूरी प्रभावी ढंग से आता हुआ दिखाई देता है। चारों ओर एक ही आवाज गूंजती है और वह आवाज है कि फिर एक बार, अब की बार 400 पार। तो 400 पार की जब बात होती है तो आधी आबादी का पूरा आशीर्वाद इस अभियान में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को प्राप्त होता है। फिर एक बार हम सब काशीवासियों के लिए सौभाग्य का अवसर है कि जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी काशी आते हैं, अपने क्षेत्र की जनता अपनी मातृशक्ति से जरूर मिलते हैं। ऐसा सौभाग्य हम सबको बारंबार मिलता है। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री, काशी के लोकप्रिय सांसद माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सबको आपका मार्गदर्शन मिले। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। काशी में राजपाट बाबा विश्वनाथ का है, लेकिन व्यवस्था माता अन्नपूर्णा ही चलाती है। ये पहली बार है जब हम काशी का नामांकन अपने मायके उपस्थिति के बिना कर ले है। मां गंगा ही अब हमार माय है। मैंने इसलिए कहा था कि मां गंगा ने पहले मुझे काशी बुलाया था, अब मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है और इस आज आयोजन में
इतनी सारी मातृशक्ति की मौजूदगी मुझे अभिभूत कर रही है। आप सभी समय निकालकर यहां आई, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। साथियों, मैं पार्टी के प्रचार में कितना भी व्यस्त होता हूं, लेकिन बनारस को लेकर हमेशा बहुत निश्चिंत रहता हूं। मुझे कोई चिंता ही नहीं रहती, क्योंकि सब कुछ आप ही लोग संभाल रहते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं यही कहूंगा, इस गर्मी में अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिए। आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों के घरों में जाना होता है, गांवों में जाना होता है, बूथ पर जाना होता है, और इसलिए मेरा एक सुझाव है, कितना ही काम करिए लेकिन पानी बहुत खूब पीजिए, साथ में पानी हमेशा रखिए, और कभी भी बिना खाए घर से निकले नहीं। मेरा लंबे समय का अनुभव है, इसलिए मेरी सलाह आपको जरूर काम आएगी। माताओं बहनों, बीते 10 साल में पहली बार सरकार की नीतियों से लेकर निर्णयों तक हमारी माताएं, बहनें, महिलाएं केंद्र में आई है। इस पर उतनी चर्चा भले ही न हुई हो, लेकिन ये भारत की सक्सेस स्टोरी का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप बताइए, जब घर आपके बिना नहीं चलता तो देश आपके बिना कैसे चल जाता? ये बात 60 वर्षों तक सरकारों को समझ ही नहीं आई। कांग्रेस सपा की सरकारों ने महिलाओं के साथ क्या किया? केवल उपेक्षा और असुरक्षा। साथियों, इंडी गठबंधन की मानसिकता ही महिला विरोधी है। इंडी गठबंधन वाले महिलाओं को आरक्षण का विरोध करते हैं। जहां इनकी सरकार आती है, महिलाओं का जीना दुभर हो जाता है। बनारस के लोग तो यूपी बिहार दोनों में रहे जंगल राज से परिचित है। बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल था। बेटियों को सुरक्षा के डर से पढ़ाई छोड़कर घर पर बैठना पड़ता था, और सपा वाले कहते थे और बेशर्मी से कहते थे, लड़के हैं, लड़कों से तो गलती हो जाती है। आज सपा के लड़के जरा गलती करके दिखाएं, योगी जी की सरकार उनका वो हाल करेगी जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। माताओं बहनों, पहली बार केंद्र में ऐसी सरकार आई है जिसने महिलाओं के सम्मान की चिंता की।
उन्हें इज्जत घर दिए, इसके लिए मजाक उड़ाते कि मोदी टॉयलेट टॉयलेट करता रहता है, टॉयलेट बनाने में लगा है। 11 करोड़ टॉयलेट बनाए हैं, मेरी करोड़ों करोड़ों माताओं का मैंने इज्जत घर बनाया है। लेकिन मुझे पता था मेरी बहन बेटियों के लिए इसकी कितनी बड़ी जरूरत थी। मोदी ने गरीब से गरीब महिलाओं के लिए बैंक खाते खुलवाए और वो भी 1 रुपये के खर्च के बिना, ताकि उन्हें जो भी पैसा मिले वो सुरक्षित रह सके। मोदी ने करोड़ों पीएम आवास, 4 करोड़ से ज्यादा घर बनाए, लेकिन उसकी रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर करवाई, ताकि करोड़ों माताएं घर की मालकिन बनी है। अब महिलाएं भी संपत्ति की मालकिन बन रही है। ये बस योजनाएं नहीं थी, इससे नारी शक्ति को नया आत्मविश्वास मिला। यही मेरा मिशन था, यही मेरी सोच थी। माताओं बहनों, कांग्रेस की सरकारों की पहचान एक गाने से खूब होती है, और वो गाना बहुत पॉपुलर रहा है, महंगाई डायन खाए जात है। कांग्रेस आई, महंगाई लाई। कांग्रेस सरकार रही होती तो आज आपकी रसोई का बजट 2 गुना 3 गुना बढ़ चुका होता। लेकिन ये भाजपा है, ये गरीब का बेटा मोदी है, मोदी लगातार प्रयास करता है कि आपके खर्चे कम हो और आपकी बचत ज्यादा बढ़े। मोदी ने मुफ्त राशन की योजना चलाई हुई है, ताकि गरीब का एक घर का चूल्हा जलता रहे। इससे हर परिवार के साल में करीब करीब 12,000 रुपये बच रहे। आपको जो उज्ज्वला का सिलेंडर मिलता है, उसमें भी प्रति सिलेंडर आपको 300 रुपये से ज्यादा की बचत हो रही है। बनारस में करीब 40,000 घरों में अब पाइप से रसोई गैस की सप्लाई होती है। बहुत जल्द ही 80,000 से ज्यादा घरों को भी पाइप से गैस मिलने वाली है। इससे भी आपकी बचत बढ़ेगी। माताओं बहनों, पिछले 10 साल में बनारस के 3 लाख से ज्यादा लोगों का यह आंकड़ा जो कोई सुनेगा तो उनको आश्चर्य होगा कि एक सांसद जब समर्पित भाव से काम करता है तो कितना बड़ा काम कर सकता है। आपको जानकर खुशी होगी, एक सांसद के नाते मैंने एक काम के पीछे पड़ा, मैं लगातार करता रहा। हमारे काशी में 3 लाख से ज्यादा लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है। ये छोटा काम नहीं है, और हमें पता है मोतियाबिंद के हर ऑपरेशन में कम से कम 10,000 का खर्चा होता है, यानी 2 आंख का 20,000। मोदी ने यहां 3 लाख परिवारों के 10,000 रुपये
बचाने का पवित्र काम किया है। यहां जन औषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट, 80% छूट के साथ सस्ती दवा मिलती है। 100 रुपये की दवाई 10 रुपया, 20 रुपया, 15 रुपये में मिल जाती है। सस्ती दवा से भी बनारस के लोगों का करोड़ों रुपया खर्च होने से बचा है। यहां बनारस में 90,000 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को पीएम मातृ वंदना योजना का भी लाभ मिला है। इसके तहत हर गर्भवती महिला को पोषण के लिए 6,000 रुपये सीधे मोदी सरकार उनके बैंक में खाते में जमा कराती है। माताओं बहनों, आयुष्मान भारत योजना से बनारस के 1.25 लाख से ज्यादा लोगों ने मुफ्त इलाज कराया है। अब हम जानते हैं हमारे परिवारों में कितनी बीमारी क्यों न हो, कितनी ही पीड़ा क्यों न होती हो, लेकिन माताएं बहनें काम करती रहती हैं, घर में किसी को बताती नहीं है, दर्द सहती है, क्योंकि उनके मन में रहता है कि बीमारी के कारण अस्पताल जाएंगे, बहुत बड़ा खर्चा हो जाएगा और अपने बच्चों के सर पे कर्ज लग जाएगा, और इसलिए माताएं बहनें सहन करती हैं लेकिन बच्चों पर बोझ नहीं होने देती हैं। ये दर्द मैं जानता था, और जब आपका बेटा दिल्ली में बैठा तो मैंने तय किया कि अब मुझे किसी मां को ये पीड़ा सहन नहीं करनी पड़ेगी, अस्पताल का पूरा खर्चा ये आपका बेटा मोदी उठाएगा। और बनारस में जिन लोगों ने इस योजना का लाभ लिया है, अब तक करीब करीब उनका 200 करोड़ रुपया जो अस्पताल में खर्च होने वाला था वो बच गया है, क्योंकि वो खर्चा मोदी ने किया है। और अब तो मोदी ने ये भी तय किया है कि हमारे देश में, हमारे काशी में, किसी भी परिवार में 70 साल की ऊपर के जो भी माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी जो भी होंगे, अब उनके खर्चे की जिम्मेवारी भी, अस्पताल में इलाज की जिम्मेवारी 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज ये आपका बेटा मोदी करेगा। आप अपना आयुष्मान कार्ड बनवाइए, बाकी सब मोदी पर छोड़ दीजिए। माताओं बहनों, मोदी ने कुछ महीने पहले ही पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। यहां बनारस में 2,000 से ज्यादा घरों में सोलर प्लांट लग चुका है। इससे भी लोगों के बिजली बिल में महीने के 2 से 2,500 रुपये बच रहे हैं, मतलब साल का 25 से 30,000 रुपया बच रहा है। 4 जून के बाद आपके आशीर्वाद से जब नई सरकार बनेगी तो इसका विस्तार होगा और हर परिवार को 75,000 रुपया ये सोलर पैनल के लिए दिया जाएगा और आपका बिजली का बिल 0 हो जाएगा। माताओं बहनों, इंडी गठबंधन के नेता खुलेआम कहते हैं कि हिंदुओं में जो शक्ति है ना, वो शक्ति का मैं विनाश करके रहूंगा,
शक्ति के विनाश की बात करते हैं, लेकिन 4 जून के बाद मोदी सरकार वे तो शक्ति का विनाश चाहते हैं, मोदी आपकी शक्ति को महाशक्ति बना करके रहेगा। मैं लगातार आपके लिए काम कर रहा हूं, आपके आशीर्वाद से लगातार नई ऊर्जा मिलती रहती है, न थकता हूं न रुकता हूं, यही सपना लेकर चलता हूं कि मेरे 140 करोड़ देशवासियों के जीवन की मुसीबतें जितनी कम कर सको मैं निरंतर करता रहूं। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में 3 करोड़ नए घर बनाने की बात कही है। मेरा एक काम करोगे आप लोग, जरा हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा एक काम करोगे, सबके सब हाथ ऊपर करके जोर से बताइए, मेरा काम करोगे, आपकी आवाज दूर तक जानी चाहिए, मेरा काम करोगे। अभी आप लोग लोगों के घरों में संपर्क के लिए जाते होंगे, मोहल्ले में जाते होंगे, छोटे छोटे इलाके में जाते होंगे, चाल में जाते होंगे, बस्ती में जाते होंगे, कहीं पर भी कोई परिवार अगर झोपड़ी में रहता है, कोई परिवार अगर कच्चे घर में रहता है, मेरी तरफ से उनको कह देना कि 4 जून के बाद उनको भी पक्का घर मिल जाएगा। ये मोदी की गारंटी है और इसलिए मैं 3 करोड़ नए घर बनाने की योजना लेकर के चल रहा हूं। माताएं बहने, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को हम ड्रोन पायलट बना रहे हैं, और मैं ऐसी महिलाओं को मिला, उन्हें कहा साहब हमको तो साइकिल भी नहीं आती थी, अब ड्रोन पायलट बन गए, पूरा गांव हमको पायलट करके बुला रहा है। और ये ड्रोन पायलट बहने हमारे देश में कृषि क्रांति का नेतृत्व करने वाली है। पहले मुद्रा योजना में 10 लाख रुपए का लोन मिलता था, और मुझे खुशी है कि मुद्रा योजना का सर्वाधिक लाभ हमारी बहनों ने उठाया है। पहले 10 लाख देते थे, अब 20 लाख रुपया मिलेगा। आपके परिवार की चिंता करने वाले मोदी ने मुफ्त राशन योजना को भी 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। माताओं बहनों, अगले 10 दिन हमें काशी के घर घर जाना है। यहां जो हर तरफ विकास कार्य हुए हैं वो अभूतपूर्व है। काशी के घर घर में हमें इन विकास कार्यों की बात पहुंचानी है। इनसे यहां रोजगार के भी नए मौके बने हैं। पिछले 2.5 साल में 16 करोड़ से अधिक श्रद्धालु श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन करने आए हैं। 16 करोड़ लोग आने से हर प्रकार का कारोबार बढ़ता है। आज पूरे बनारस में दुकानों का, जमीनों का, होटलों का, होमस्टे का रेट बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहां आ रहे हैं। इससे सबसे ज्यादा फायदा बनारस के ही लोगों को हो रहा है। फूल बेचने वाला भी कमा रहा है, खिलौने बेचने वाला कमा रहा है, साड़ी बेचने वाला कमा रहा है, नाव वाला कमा रहा है, ऑटो रिक्शा वाला कमा रहा है, हर एक को। काशी में आपने देखा है आधुनिक बनास डेयरी खुल चुकी है, वो भी हमारे गांव के लोगों के लिए, दूध उत्पादकों के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुई है। इससे अकेले बनारस के ही 14,000 से ज्यादा पशुपालक जुड़े हैं। बनास डेयरी आने के बाद
पशुपालकों की आमदनी सालाना 1.25 लाख रुपए से ज्यादा बढ़ी है। माताओं बहनों, बनारस में नारी शक्ति के लिए इतना काम हुआ है कि उसे बताते बताते देर रात हो जाएगी। आपने इतना समय निकाला, मैं आप सभी माताओं बहनों का आभारी हूं। लेकिन याद रखिएगा, हमें हर बूथ जीतना है, हर बूथ जीतना है। जीतेंगे जीतेंगे, हमें हर बूथ कमल खिलाना है। खिलाओगे? और ज्यादा से ज्यादा मतदान, मतदान के सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं। मैं एक आइडिया बताऊं आपको, मतदान ज्यादा से ज्यादा कैसे करोगे? हमारी बहनें बूथ में, एक एक बहन 25-30 बहनों को लेकर के निकले, थाली बजाते बजाते, ढोल बजाते बजाते, गाना गाते गाते पोलिंग स्टेशन पर जाए और 10 बजे के पहले एक पोलिंग बूथ में अगर हम 20-25 ऐसे जुलूस निकाल देंगे तो आप देखना, आपके पोलिंग बूथ का सबसे ज्यादा वोटिंग हो जाएगा। करेंगे आप लोग? जुलूस में जाएंगे, गाना गाते जाएंगे? माताओं बहनों, काशी की मातृशक्ति ये बार यहां रिकॉर्ड वोटिंग कराई ना। एक बार मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर बोलिए, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। काशी के स्नेह के लिए एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।